अगर वहाँ हम समय से नहीं पहुँचे तो हमारा काम कैंसिल हो जाएगा। वो देखो सामने से कुछ लोग आ रहे हैं। सब कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा। क्यों रे भिखारी हो, तुमने तो पूरा काफला बना रखा है यहाँ पे। बेटा काफला तो हमारा है ही है। अब मैं तो आपसे भीख मांग रहा हूँ, आपके पास कुछ हो तो दे दो। अच्छा बेटा, एक तो तूने हमें रोक कर सारा काम कैंसिल कर दिया और ऊपर से कहता है मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रहा। बेटा जो हमें रोकते हैं उन्हें हम ठोकते हैं। बेटा हम तो दूसरों को लूटते हैं, तू हमें लूटने चला है। बेटा तूने भीख मांगी तो देरी तो पड़ेगी। क्यों सूर्य कलवा? जी भाई जान। हाँ साहब, मैं कई दिनों से भूखा भी हूँ। बेटा तू चिंता ना कर, हम तेरी सारी भूख खत्म कर देंगे। सूर्य कलवा, बेटा तू भिखारी की भूख। भिखारी तुझे रोक कर हमें बहुत बड़ी मुश्किल कर दी और हम इसमें गलत क्या करना, तुझे पीट कर है? अरे हम तो इसे खाना दे रहे हैं, तुझे भी चाहिए क्या? तो ये मेरे दोस्त है, मैं सूर्य और कलवा थोड़ा थोड़ा खाना इनको भी दे दो। सूर्य और कलवा चलो चलते हैं। चल बे आज गरीब एक साइड। भाई हमें कुछ नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे तू चिंता मत कर, हमें आगे चल के कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अरे बेटा भूख लग रही है? अंकल हमने दो तीन दिन से कुछ नहीं खाया है। और बेटा तुम्हारे माँ बाप? अंकल हमारे माँ बाप नहीं है। बेटा मेरे साथ चलो, भरपेट खाना खिलाऊंगा और आज से तुम मेरे साथ ही रहना। तीनों गाड़ी में बैठो। देखो बेटा ये अपना ही घर है, तुम वहां पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। लो बेटा खाना खा लो आराम से। बेटा आराम से खाना खा लो और मैं शहर के लिए जा रहा हूँ, आपके कपड़े फटे हुए हैं, शहर जाकर आप भी कपड़े लेकर आता हूँ। ये देखो बेटा मैं शहर से आपके लिए नए कपड़े लेके आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब से ऐसे ही कपड़े पहनोगे। तुम तीनों अंदर जाकर कपड़े चेंज कर लो। बैठो बेटा। बेटा मैं चाहता हूँ तुम पढ़े लिख कर बड़े आदमी बनो। अंकल हमारे भी यही इच्छा है, क्योंकि जिन्होंने हमें पिटा है हम उन्हें सबक सिखा है, क्योंकि हम बड़े आदमी बनकर उनकी औकात दिखाएं। चलो बेटा मैं तुम्हारा एडमिशन करा के आऊँ। बेटा तुम तीनों का एडमिशन तो हो चुका है और तुम्हें अब मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। अंकल तुम
खाना खा लो, हम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। क्यों भाई हो? हाँ अंकल। बेटा मुझे तुम तीनों पर पूरा भरोसा है, पैसे की चिंता मत करना, पैसा तो मेरे पास बहुत है। ठीक है अंकल। सत्य यार तूने फॉर्म किसका डाला है? मैंने तो यार IPS का डाला है। सत्विक तुमने किसका फॉर्म डाला है? भाई मैंने पुलिस ऑफिसर का फॉर्म डाला है। मगर भाई तुमने नहीं बताया तुमने किसका डाला है। अरे भाई मैंने तो IAS ऑफिसर का फॉर्म डाला है भाई, हमें 2-3 दिन बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर भाई हमारी जॉब ना सक्सेसफुल हो गई तो हम शहर से गुंडाराज बिल्कुल खत्म कर देंगे। बेटा तुम्हारी क्या बात चल रही है? अरे अंकल क्या बात कर रहे थे, हम तीनों ने फॉर्म डाला उसकी बात चल रही थी। बेटा तुमने किस जॉब का फॉर्म डाला है? अंकल मैंने पुलिस ऑफिसर का डाला है। अंकल मैंने IPS का डाला है। अंकल मैंने IAS का डाला है। और अंकल हमें 2-3 दिन बाद इंटरव्यू के लिए जाना होगा। हेलो क्या राजकुमार बोल रहे हैं? राजकुमार वर्मा बोलिए, क्या काम है? तुम तीनों ने जो फॉर्म डाला है उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है सर। सत्य और सत्य हमने जो फॉर्म डाले थे वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं। ठीक है चलो। हेलो हेलो, तुम तीनों ने जो इंटरव्यू दिया है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपकी जॉब लग गई है। ठीक है सर। सत्य और सत्यवीर अपनी जॉब सक्सेसफुल हो चुकी है। चलो आप अंकल को बता दिया, वो सुनकर बहुत खुश होंगे। सर ये मक्का तो सारी सूख रही है, इसमें पानी लगाना पड़ेगा। भाई अगर अंकल को बताएंगे तो अंकल बहुत खुश होंगे। ठीक क्या रहे भाई? देखो वो बैठे अंकल। चलो अंकल आज हम तीनों बहुत खुश है, हमारी जॉब लग चुकी है। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम तीनों की जॉब लग गई। मगर बेटा तुम्हें अपनी जॉब ईमानदारी से और अपने कर्तव्य के साथ करनी होगी। अंकल आप चिंता मत करो, हमने ये जॉब पैसे के लिए प्राप्त नहीं की है। अंकल हमने ये जॉब इसलिए प्राप्त की है इस शहर से हम गुंडा राज और दलाली बिल्कुल खत्म कर सके और हम इस शहर को ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे। बेटा तुम तीनों पर मुझे पूरा भरोसा है। चलो फिर चलते हैं अंकल। आओ चलो। सर ये तो वही कालिया है जिसने हमें 15 साल पहले सताया था। हाँ ठीक है देव, चलो चलते हैं। कालिया तेरे लिए यही बेहतर होगा, ये धंधे छोड़ दे और मेहनत करके अपनी जिंदगी को गुजार। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मैं तो कलेक्टर की भी नहीं सुनता। हट मेरा रास्ता छोड़। कालिया रुक। सुन कालिया, मैंने तेरा रास्ता छोड़ने के लिए रोका है बल्कि तुझे सुधारने के लिए रोका है। क्यों तू सुधारेगा मुझे? बेटा तूने कलेवान पकड़े बहुत बड़ी गलती कर दी और तुझे इस गलती का इंजाम भुगतना पड़ेगा। और तूने पहचानने में बहुत देर कर दी, याद कर आज से 15 साल पहले। वो यही है आज तेरे सामने IAS बन के खड़े हैं। जो दो लोग मेरे साथ थे वो यही है, एक IPS ऑफिसर एक पुलिस ऑफिसर। सॉरी सर मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, मुझे माफ करो और मैं ये आज के बाद धंधा बंद कर दूंगा। माफी मुझसे नहीं भगवान से मांगो। हे भगवान हमें माफ कर दे, जो हमसे गलती हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तुमने माफी मांग ली तो ये सोचो भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया, और अब मेहनत करके खाओ। ठीक है सर आज के बाद हम मेहनत करके ही खाएंगे। ठीक है फिर हम चलते हैं।